नीमच जिला में कानाखेड़ा के निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ग्रामवासियों ने बताया कि दबंगों द्वारा मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। शासकीय जमीन पर भी दबंगों का अतिक्रमण है। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने बताया कि भूमि सर्वे नंबर 171 और 688 भी मंदिर जमीन से लगा हुआ है, जहाँ रागिरों को पीने के पानी की प्याव लगी है, और सर्वे नंबर 671 जो मंदिर के पिछला हिस्सा है जो आबादी क्षेत्र में आता है, जहाँ घनश्याम पिता चांदमल गर्ग, दिनेश पिता कन्हैयालाल गर्ग, पुरुषोत्तम पिता सीताराम गर्ग ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जब गांव पटवारी मौके पर नियुक्ति करने आया तो उक्त भूमि पर इनका अतिक्रमण पाया गया। फिर भी इन्होंने हमारे गांव के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करवाकर और ग्रामीणों को डरा धमका कर मंदिर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे। यह मंदिर नागदा मीनारिया समाज के 52 गांवों का मंदिर होकर हमारी आस्था का प्रतीक है। मंदिर निर्माण कार्य रुकने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पहले ही उक्त व्यक्तियों ने वहां अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी जांच प्रशासन को करनी चाहिए और उसे भूमि को इन दबंगों से मुक्त कराकर मंदिर समिति को सौंपनी चाहिए। यह मंदिर 52 गांवों की आस्था का प्रतीक है। अगर प्रशासन समय पर इन दबंगों का अतिक्रमण नहीं हटाएगा तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हम सब लोग गांव कानाकर से ब्राह्मण समाज से हैं और हमारे गांव का जो मंदिर है 500 वर्ष पुराना बना हुआ, उसको गिरा के अभी हमने नए सिरे से उसकी बनाने की शुरुआत करी है। उसका कार्य प्रगति पर, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व हमारे गांव वालों ने उसी जगह में एक पानी पीने के लिए पेऊ का निर्माण करा था हमारी समाज वालों ने, लेकिन कन्हैयालाल जी घर के परिवार द्वारा जब वो सरपंच बने तो उन्होंने इस बात के लिए ताला लगा दिया कि पानी के लिए कोई जानवर वगैरह नहीं घुसे, उन्होंने ताला लगा दिया। और वो सरपंच थे तो उन्होंने धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण कर लिया, और पटेल भी वही थे, तो गांव वालों ने सोचा कि जब चाहेंगे जब हटा लेंगे। उस टाइम हमारा मंदिर बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी समाज के द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं और मंदिर को भव्य रूप देने की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच में गर्ग परिवार वालों के द्वारा हमारे गांव के कुछ लोगों पे पुलिस में रिपोर्ट करी कि ये अतिक्रमण हम नहीं हटाने देंगे, जबकि उनका कोई अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ वो उनका ताला उन्होंने पहले लगा दिया था, यही उनका उद्देश्य है। अतः इस गांव वाले और सब समाज 52 गांव के समाज जिसमें रमलिया कानाखेड़ा बहुत सारे गांव हैं, वो सब यही चाहते हैं कि इस मंदिर का बना जाए और उसका अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। घनश्याम पिता चांदमल जी, दिनेश पिता कन्हैयालाल जी, पुरुषोत्तम पिता सीताराम जी एवं इनका परिवार जो 5-7 भाई हैं, एक साथ में पूनम चंद वगैरह वगैरह, सब ये सब लोग वहाँ निर्माण में बाधक बन रहे हैं। तो हम यही प्रशासन से मांग करना है कि अतिक्रमण हटाया जाए और मंदिर को निर्माण जो हमारा सुचारू रूप से चल रहा है वो चले। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।